हेलो एंड वेलकम बैक. आई एम मेकिंग अ व्लॉग टुडे एंड अभी बजे है 7:30 इन द मॉर्निंग. वी आर हेडिंग टू अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस विच इज़ फुल ऑफ नेचर. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू विजिट दैट प्लेस एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल. नॉट ओनली दैट बट इट्स रेनिंग राइट नाउ सो द क्लाइमेट इज़ रियली प्लेजेंट एंड इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी. I'm so excited and I can't wait to show you all the place. It's just beautiful. I'll see you guys with me in the video. And yes, do not forget to wear your masks. They are very important. See you all. Bye. So here we go. 9 minutes to go. Such a beautiful view is this. कहते हैं ना, usually difficult roads lead to beautiful destination. It seems like ये sentence Nirvana के लिए ही बना था. There were least good paths, but we ended up in such a worth it destination. So, अभी हमने निर्वाणा में एंट्री ली है and this is the entrance. So beautiful. He's taking our entry. This is the entrance. So this is the dining hall. This is yoga hall for meditation and yoga. So right now he is giving us a tour of this place and later on I'll give. ये एक हरियाली से घिरा हुआ अद्भुत परिसर है जहाँ विभिन्न प्रकार की ट्रीटमेंट्स और आहार दिए जाते हैं. जैसे हम लंच टाइम पे पहुँचे तो हमें एक फुल मील दिया गया था एंड दैट वाज द लास्ट टाइम वी गॉट फुल मील विच कंसिस्टेड ऑफ जवार रोटी, एप्पल चटनी, वन सूप, टू सब्जी एंड बार्ली सैलेड. सो वी जस्ट रीच्ड एंड आने के बाद हम लोग को उन्होंने रूम्स अलॉट किए और फिर रूम्स अलॉट करने के बाद वी हैड डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. सो देयर दे सजेस्टेड अस सम थेरेपीज लाइक जो डेली बेसिस पे होती ही है बट दे पर्सनलाइज द थेरेपीज फॉर ईच पर्सन. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तब भी आप यहाँ पर आओ. इट इज़ लाइक इट इज़ ओपन फॉर ऑल. It is for detoxification. So we had our therapies and we went for lunch. अभी मैं मेरे रूम की बालकनी में हूँ and today we are staying at the ground floor. So the ground floor looks awesome. So I'm gonna go there. हेलो आई एम बैक. अभी बज रहे रात के 10:30 एंड आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था तो मैं आज शूट नहीं कर पाई सिंस हम लोग को यहाँ पे सेट होने में थोड़ा सा वक्त लगा और बहुत ही प्योर हवा है यहाँ पर और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है. सो आज के दिन हमने सब चीज़ों को अच्छे से फील किया एंड इन्जॉय किया. बट डोंट वरी आई बी स्टार्टिंग टू शूट फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स. सो कल हम लोग का शेड्यूल है अराउंड 5:30 AM को. सो 5:30 AM से हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा तो मैं तब से सारी शूटिंग करूँगी एंड
आई बी शेयरिंग इट विथ यू ऑल एंड टुडे आई एम रियली टायर्ड सो मैं अभी सो जाऊंगी एंड मिलते हैं आप सभी को कल सुबह बाय हाय गुड मॉर्निंग इट इज़ 5:45 इन द मॉर्निंग एंड वी वोक अप एट 5:30 और फिर हम लोग फ्रेशन अप हुए एंड देन नाउ 5:45 को हम चेंज करके शुद्धि क्रिया के लिए जाएंगे एंड द व्यू इज़ ब्यूटिफुल विंड इज़ ब्रीजिंग इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल सो सी यू देयर बाय सो अभी हम आए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए ऑन द ट्रैक दिस इज़ द ट्रैक एंड इट्स क्रेजी कोल्ड हियर तो अभी हम मॉर्निंग वॉक करेंगे फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन हम जाएंगे शुद्धि क्रिया करने या मॉर्निंग वॉक प्लस चर्पिंग बर्ड्स प्लस ग्लूमी क्लाउड्स एंड माइल्ड सनशाइन मेक्स इट परफेक्ट तो अभी हम लोग कर रहे हैं नेत्र प्रक्षालन जिसके में सो नेत्र प्रक्षालन त्रिफला वाटर से करना काफ़ी गुणकारक है इसमें बस आपको आपकी आंखें झपकानी है जो कि आपकी आंखों की सारी इम्प्योरिटीज़ और डिजीज़ को डिसॉल्व कर देता है अगर आपको स्पेक्स है तो ये काफ़ी हद तक स्पेक्स हटाने में भी मदद करता है सो ये एक मॉर्निंग रूटीन सभी को बनाना चाहिए बस 30 सेकेंड्स हर सुबह करने से आपको आपकी आइज़ में डिफरेंस पता चलेगा नाउ कम्स माई फेवरेट जल नीति जिसके लिए सबसे पहले इन्होंने एक जल नीति पॉट लिया है जिसके अंदर ल्यूकवॉर्म वाटर और पिंच ऑफ सॉल्ट है ये पॉट आपको आपके एक नोस्ट्रिल में डालना है और पानी आपके दूसरे नोस्ट्रिल से निकालना है और ये प्रोसेस आपको दोनों नोस्ट्रिल्स में रिपीट करना है दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रिवेंट एस्थमा एंड एनी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट Next up is oil pulling, which gives oral hygiene and helps removing the bacteria from your teeth. And this is an ancient Ayurvedic technique. इसमें आपको एक चम्मच ऑयल लेना है and you have to swish it around in your mouth and then spit it out and gargle with turmeric water. Next up is nasya, जिसमें शुद्ध घी नाक में डाला जाता है and मसाज की जाती है This helps in preventing migraine, headaches, and keeps eye health clean. So this is our morning drink with one kiwi and a spoon of flax seeds, and this is jeera water. For breakfast, we have this papaya smoothie and this is lemon water, jaggery lemon water for my mom and this is coconut water for me. So that is the dining area. This is the yoga area and now this is the lawn. So they are going for their first half therapies. Mine is a bit later. So till then, I'll show you all the place. So now this area is for meditation और ये एक circular में बनाया गया है जहाँ पे 12 parts है for 12 हिंदू राशिज यानी कि zodiac signs so आपकी जो भी हिंदू राशि है उस हिसाब से आप एक part में बैठ सकते हो जैसे सबसे पहला है वो है Sagittarius तो Sagittarius के लिए जो ट्री मेडिटेशन करने के लिए अच्छा होता है उसके नीचे वो बैठ के मेडिटेट अच्छे से कर पाते हैं उनकी हिंदू राशि के हिसाब से वैसे ही यहाँ पे सारे राशिज की अलग अलग पार्ट है सो दीज आर द 12 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल जहाँ पे 12 हिंदू राशिज है और उस राशि के नीचे आप बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं
Look at this nest. So this is the partition for mud bath, and from here starts the therapy room. I can't take video here, so see you later. So since हमारी first half की therapies हो चुकी है, तो हम इस जगह को explore करने आए हैं. And look at the clouds, they are so pretty. So this is the walking track, and here we are supposed to walk. And the right side seems beautiful. Let's go. So beautiful. So this is the Gaushala. The smell of cow's dung is so pure. ये cow dung है ना? हो powder. What happened? Giving her baby, you know? Huh? So she's not letting me. Yeah, saying, thinking I'm harming. He So that is the mandir. तो हम यहाँ से चढ़ के मंदिर जाएंगे. And अब जाएंगे lunch करने since we are very hungry. So we have 4 bottles of passion fruit juice, 2 for me and 2 for mom. This is our lunch. I think it's the time to show you all my room. So this is the entrance, and at start there is a decoration of orange hibiscus, and here in front of you is stone decoration which is so beautiful. And my room is on the first floor, so let's go.
That is the river over there. Look at the close-up view. Therapies and lunch. Hum hai garden mein, which is so beautiful. Look at this. So there is also a mandir. This is very pretty. So it is our snacks time, and finally we have got moong dal chilla with paneer vegetable stuffings, and with that we have Nirvana special tea. जाने दो ना, नहीं ना। क्यों जाना ही नहीं? क्यों जाना नहीं? क्यों जाना नहीं ना? प्लीज नहीं ना। हे यो, क्विक अपडेट्स। अभी बजे है रात के 9:30 एंड आज का दिन काफ़ी अच्छा था। सिंस आज गुरु पूर्णिमा है तो दिन अच्छा होना ही था, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई आज, जैसे कि सुबह 5:30 उठने का जो रूटीन है वो होने के बाद नॉर्मल वॉक्स होते हैं विच वॉर्म्स अप योर बॉडी, और उसके बाद शुद्धि क्रिया होती है जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है। एंड उसके बाद आज एक चेंज था हमारे रूटीन में, आज हमने LSP किया। LSP विच मीन्स लघु शंख प्रक्षालन, जहाँ पे शंख प्रक्षालन मीन्स क्लेंजिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विथ सलाइन वाटर। सो इसमें हमें 2 ग्लास पानी दिए थे उन्होंने, नमक वाला पानी, एंड देन एक सेट ऑफ एक्सरसाइज होती है वो करनी है। सो इस दोनों चीज़ों को रिपीटेशन में करना है जब तक आपको मोशंस नहीं आते, बिकॉज इट इज़ क्लेंजिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड ये चीज़ तब तक रिपीट होगी जब तक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपरली सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर ना निकाले। तो आप जैसे लास्ट ग्लास पानी पीते हो और वही आपके मोशन में निकले, तभी LSP आपका ख़त्म होता है। सो ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा।
एंड उसके बाद आज हमें खाने में भी खिचड़ी मिली थी जिसके लिए हम हैप्पी थे बिकॉज रोज हमें जूस और फ्रूट दिए जाते थे मील में एंड आज खिचड़ी मिली तो हम बहुत ही खुश थे। फिर उसके बाद आज हमारी थेरेपीज नहीं थी सिंस आज हमको रेस्ट लेना था एंड उसके बाद शाम को सिंस आज गुरु पूर्णिमा है तो आज गुरु माँ जो यहाँ के निर्वाणा नेचुरोपैथी के जो फाउंडर है उनके लिए एक सरप्राइज सेशन था जहाँ पे योगा हॉल को डेकोरेट किया था एंड बहुत अच्छा था। उसमें हमने आज ध्यान किया, मेडिटेशन किया एंड आई थिंक आज का सेशन मुझे काफ़ी पसंद आया। आज का दिन भी बहुत अच्छा था, शुभ दिन था। फिर मंदिर में गए, मंदिर में आरती हुई एंड वीडियोस फोटोज तो होते ही है। सो ऐसे आज का दिन अच्छा गया। फिर डिनर एंड देन डॉक्टर्स सेशन, डॉक्टर्स लेक्चर सेशन विच इज़ वेरी नाइस एंड देन वॉकिंग एंड 9:30 बज गए हैं तो अभी हम सो जाएंगे। आई थिंक यहाँ का जो रूटीन है वो हमें सबको फॉलो करना चाहिए एंड आई थिंक मुझे तो ये रूटीन काफ़ी पसंद आ रहा है और मैं इस रूटीन में काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी हूँ। सो अभी मैं सो रही हूँ, अगेन कल सुबह 5:30 बजे उठना है तो आप मिलते हैं बाद में। बाय, गुड नाइट। सो आज जैसे कि हमारा LSP हुआ एंड वी गॉट खिचड़ी एंड वी आर सो 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 हैप्पी फॉर इट। So finally it's day 7 and we are checking out today. I don't really want to go from this place. This place is such a heaven and right now I'm in the balcony and the view is so beautiful. The clouds are awesome and the cows are grazing. I'm just mesmerized. I'll show you how the view is. अभी हम निर्वाणा से जा रहे हैं एंड दिस प्लेस वेरी वेरी और ये नेचर को छोड़ के जाने का मेरा जरा भी मन नहीं है। आई विल मिस दिस ऑल। आई एम गोइंग टू मिस दिस सो मच and if you felt the same experience as I did then do not forget to like, comment, share and subscribe and till then I'll see you in next video. Bye.